ये देखो हम तो कड़ी के अंदर पाइप लगाते हैं, ठीक है, इन्होंने इसके अंदर ही लगा दी। नीचे से दिखाना, हाँ इसको ऐसे करो, ऊपर उठाना मेरा। ये देखिए इन्होंने चाय बना रखी है। ये क्या चिलम, सुल्फी, सुल्फी बोलते हैं वो है। पाइप भी लगा दिया आपने, तीनों रो बेड़ो, हाँ हाँ अब है। ये देखो भाई ये देखो हम तो कड़ी के अंदर पाइप लगाते हैं, ठीक है, इन्होंने इसके अंदर ही लगा दी। नीचे से दिखाना, हाँ इसको ऐसे करो, ऊपर उठाना मेरा। ये देखो सीधा डायरेक्ट फंसा दिया इसके अंदर। अब ये देखे ताऊ जी पियेंगे। वाह आवाज भी कर रही है। अच्छा पानी इस पाइप के अंदर पानी है, कमाल की बात। अभी ये नया ही जुगाड़ देखने को मिला है, हमारे तो नहीं करते इस प्रकार जुगाड़। पाइप के अंदर पानी है, पानी है पाइप के अंदर, शुद्ध होके आ रहा है धुआं ना। पानी पिलाओ भाई। हाँ जैसलमेर का वो चाय देखो, चाय का रंग देखो कितना गजब का है, लाल रंग की चाय है भाई और प्योर दूध की चाय है। ओहो चाय पिए तभी, अभी पियेंगे बकरी के दूध की चाय। ये देखो गर्मा गर्म लाल रंग की चाय, गजब की। स्वादिष्ट है। तो एक बात बताइए जी, आप यहाँ पर रहते हो तो आपको परेशानी कितनी आती है, आती है या नहीं आती? आती है। क्या क्या परेशानी है? बहुत है। अच्छा और स्कूल नहीं, मास्टर भी जो बंद है, स्कूल बड़े बंद भाई, मास्टर है मारे। अच्छा प्लेट हम अंदर को पहले मारे तो पानी आओ तो ने प्लेट चोरी हो गए। कोई माजी माते कोई गवर्नमेंट रूप कर्मचारी रह तो इसको ने गवर्नमेंट दिन नहीं बता दो, तो गवर्नमेंट आदमी करो तो मैं तो कित के दे हूं। हम बेतरा आदमी हूं, मैं थोड़ा दे हूं। हम पशु चालक है, आज कहां कल कहां। हां यहाँ पर बच्चे 30 है, 30 बच्चे हैं। उन मास्टर ने अपने आप लिख दिया भी यहाँ पर कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, हम तो समझते नहीं, मैं समझते नहीं, मास्टर मेरे घर का ही था। अच्छा अभी ये हमारे ढाणी पड़ी है, इसमें 20 मकान है या नहीं है आपने देखा? वैसे वो मास्टर था कहाँ का? लागुआ का, यहीं का था। हाँ यार समझ से बाहर है यहाँ का, उसका फिर भी ये मास्टर का। हाँ नाम था उसका, याद है। न्यूज में निकलवा दें क्या, दैनिक भास्कर में निकलवा दें क्या, अखबार में, अखबार में? पर मास्टर तो अभी नया है, उसको क्या पता कौन सा है कौन नहीं है, वो नहीं पता। नहीं ये निकलवा देंगे, अभी यहाँ पर मास्टर आते हैं लेकिन कॉपी चले जाते हैं, वो निकलवा देंगे। नहीं, नहीं, अभी तो मास्टर आए नहीं, 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 दो साल से आया नहीं, उसने रिटायरमेंट ले लिया है 2 साल से। मास्टर रहता था ना, वो मास्टर तो रिटायर ले लिया। तो यहाँ पर हमें एक भाई साहब मिले हैं, तो सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, आपका नाम क्या है सबसे पहले? नरपत सिंह। नरपत सिंह, नरपत सिंह, ये गांव है या क्या है? ये हमारा कुआ है पहला। अच्छा कुआ है, है यहाँ पे ढाणी है, गांव हमारा सेवा है। सेवा यहाँ से कितना रह गया? 24 किलोमीटर रह गया। 24 किलोमीटर कौन सी साइड? सीधा जंक्शन साइड। अच्छा इस साइड के, रामगढ़ से 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप क्यों रहते हो? यहाँ हमारे माल मवेशी यही है। अच्छा माल पशुपालक है और यही रह रहे, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, सब कुछ है माल। तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है यहाँ पर? दिक्कत तो बहुत है, अभी तो ये ट्यूबवेल शुरू होगी, पहले तो कुएं से पानी निकाल देते। अच्छा अच्छा और ये हुई तो क्या हुआ इस साल, अभी क्या सर्दी का मौसम था। अच्छा अच्छा यहाँ पे हमने ढाणी खाली कर दी, आगे पशुओं के लिए आगे चले गए। अच्छा सोलर भी चोरी होगी, सोलर भी चोरी होगी, सोलर लेके गए। अच्छा सोलर किसने लगाई है वैसे? ये तो गवर्नमेंट ने लगाई, गवर्नमेंट ने लगाई, आपका एक भी पैसा नहीं लगा? नहीं हमारा नहीं लगा। अच्छा अच्छा गवर्नमेंट का कुआ हमारा ही कुआ है आपका। हाँ तो आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? आप बच्चे कहाँ पढ़े? अभी गांव में दिए दो को। अच्छा वहाँ पे पढ़ रहे तो मुश्किल हो जाती है, हमारी गाय यहाँ है, भेड़ बकरी यहाँ है, फिर बच्चा को वहीं छोड़ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, रोटी पानी की सुविधा वहीं पे कैसे करे? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे स्कूल नहीं है? स्कूल है यहाँ पे, यहाँ पे स्कूल है, हमारे स्कूल है यहाँ पे, वो बनी हुई है। अच्छा यहाँ पर है ना स्कूल तो मिलेंगे, मतलब छोटे बड़े देखने देख लो बच्चे अबे यो कितने बड़े बड़े हो गए, अनपढ़ रह गए बिल्कुल। अच्छा अच्छा अभी वो उठ खाँच के वो जा रहे हैं दो बच्चे। आप और नहीं ना तो बच्चों को जरूर पढ़ाओ क्योंकि शिक्षा आज के टाइम में। अब ये स्कूल है तो स्कूल गवर्नमेंट ही कर दे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं, बंद कर दी बिल्कुल बंद। एक टीचर आया था भैरू सिंह नाम का,
क्योंकि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, तो मतलब ये जो इलाका देखते हैं ना, तो हमको थोड़ा मतलब अलग ही महसूस होता है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो कितना संघर्ष से जीवन जीते हैं, और गर्मी में तो बहुत आंधी चलती है, संघर्ष होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी थोड़ी थोड़ी मतलब हवा है वो चल रही थी, रास्ते में आए थे ना तो मिट्टी की धूल उड़ रही थी, तो मतलब चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। और कोई नहीं, आपका घर है क्या? ये हमारा घर है। अच्छा अच्छा, अंदर से देखते हैं कैसा बना हुआ है, थोड़ा हमें भी बता दो इनके बारे में जानकारी बता दो। ये हमारे तो क्या सुविधा है, पशुपालक ही है, लाइट भी नहीं है यहाँ पर, नहीं है। अच्छा ये चूल्हा है क्या? ये चूल्हा रोटी बना लेगा। अच्छा अच्छा, ऊपर ये भी बना रखा है, छत भी लगा रखी है आपने, धुआं निकलने की है। अच्छा अच्छा, तो बारिश जाती है तब, तभी ये चौथा नहीं है ऊपर से अंदर जाते हैं, त्रिपाल है भाई, त्रिपाल है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा ना आगे के मौसम में, आगे करना पड़ेगा। ये बनाते कैसे हो आप? ये सब लकड़ी का और खींप का, लकड़ी और खींप का, ये केर की लकड़ी है ना? केर की। तो ये मतलब दीमक नहीं खाती इसको? कम खाती, केर को कम खाती, कम खाती है केर का। बहुत मजबूत बना है मेरे हिसाब से, अगर ऐसे लगता है मैं ऊपर बैठ जाऊँ ना इसके तो भी ये नहीं गिरेगा, मतलब ऐसे गूंथ दिया है इन्होंने। अच्छा ये सामान है आपका ना? ये सामान अभी तो वहाँ पे धानी में है, अब हम आने वाले हैं, चार पांच दिन में तावड़े हो गए धूप। अच्छा अच्छा, अब आ जाएंगे। तो बारिश कब होगी अभी यहाँ पर? बारिश तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है अभी तक। अच्छा टाइम पड़ा है अभी, मतलब पाँच में छठे महीने में, मई जून। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मई जून में। मई जून में कितनी बारिश होती है इस इलाके के अंदर? कम ही होती है, इस साल तो ठीक हुई थी, ठीक भी थी, नहीं तो ज्यादातर काम भी रहता है, कम बारिश का मौसम कम रहता है। अच्छा अच्छा, तो आपके पास जुलाई में बारिश होती है? जुलाई में, ठीक है। आपके पास कितने पशु है? हमारे पास, हम छह भाई है, छह भाई हो आप, हमारे पास 1000 भेड़ बकरी है, 100 गाय है, 1000 भेड़ बकरियां। अच्छा अच्छा, छह भाई। तो यहाँ पर मतलब ये जो भेड़ बकरियां रखते हो, तो इनको लेने वाले भी आ जाते हैं क्या? लेने वाले आ जाते हैं, नहीं आते? अच्छा, वो खरीद के ले जाते। तो साल के अंदर कितना पैसा बन जाता है? किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख। अच्छा ऐसे? हाँ, ऐसे ही कमाई है। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ से सीमा कितनी दूर है? सीमा तो यहाँ से 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर, तो रहने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है? जैसे यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती? ऐसे नहीं रहता है कि इस साइड से पाकिस्तान से कोई बमा की गिर जाए? वो भी तार है। अच्छा अच्छा, है वहाँ पे पोस्ट है। अच्छा अच्छा, हमारे तो वहाँ पे रहते हैं, तो ना ये बोलते हैं भी पाकिस्तान की सीमा के पास में जो लोग रहते हैं वो बहुत संघर्ष रहते हैं, क्या पता कब कोई बम आकर गिर जाए। वो तो हम भी संघर्ष बहुत रहते हैं, हम यहाँ से लड़ाई तो हुई, जब तो यहाँ से खाली करवा दिया। अच्छा, लड़ाई तो खाली करवा दिया, जैसे तो यही रहते हैं, हमारे बाप दादे भी यही रहे, हम भी यही रहे। ज्यादा दिक्कत हमारे को एक तो वो सोलर वाली होगी, एक लाइट नहीं है, तो कोई सोलर पे बिल्कुल बिल्कुल, फोन वगैरह चार्ज करे कोई बात नहीं, एक नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है बिल्कुल, और स्कूल बंद है, बच्चे ज्यादा अनपढ़ रह जाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो टीचर वाली आप बात बोल रहे थे कि एक टीचर आया था, तो वो क्या कहानी थी थोड़ा सा बताओगे? वो तो लिखित में यहाँ पे रहा, चार महीना रहा, यहाँ खोड़ में कौन बैठे, बिल्कुल रोड थी नहीं जी, हाँ हाँ बनी हुई थी नहीं, रोड तो गए साल बनी है। अच्छा, तो उसने लिखित में ऊपर चढ़ के दे दिया कि यहाँ पे कोई नामकरण बच्चे है नहीं। अच्छा अच्छा, अभी बच्चे स्कूल में नहीं आते? हाँ, है नहीं। अच्छा, खाली है स्कूल और मेरी ड्यूटी चल रही है, खाली बैठा। अच्छा अच्छा, तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अनपढ़ आदमी, पाल मवेशी वाले, कभी रामगढ़ जाते हैं समर पानी लेके आ जाते हैं, कौन जाता है वो? बिल्कुल बिल्कुल, तो अब बिल्कुल बंद कर दिया, जिसको 5 साल हो गए स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। अब मेरे 4 बच्चे यहाँ पे अनपढ़ है, 2 को आधी गाँव दिया है। आप ऐसे मत करो, बच्चों को जरूर पढ़ाओ आप, आगे बता रहा हूँ। ऊपर में टीले के ऊपर इनके घर बने हुए ये, और ये नीचे क्या है, तला है, मतलब तालाब, ठीक है। यहाँ पर बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो अभी क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैंकियाँ बना दी है, और सोलर प्लेट है वो लगा दिए, ये साइड के अंदर गाय बैठी है, और ये यहाँ पर ये मतलब होत है वो बना दी है इन्होंने बड़ी बड़ी, तो पशु है वो पानी पी लेते हैं, और ये इनकी भेड़े हैं, ऊँट है, और उस साइड के अंदर ये सोलर प्लेटें लगी हुई है, जैसे ही धूप निकलती है वैसे ये चलने लग जाती है। क्या नाम है आपका? क्या? पदम सिंह। आपका भाई साहब? बाबू सिंह। बाबू सिंह, बाबू सिंह, ये क्या है भाई साहब डाल रखा है ऊँटों पे? ये बोरी है उनकी। बोरी? रसी, रसी। नहीं, ये क्या? ये पखाल है। पखाल बोलते हैं उसको? पखाल बोलते। क्या है इसके अंदर? पानी है। पानी है, पानी पानी पीने के लिए। कहाँ पर लेके जाओगे? गाँव में। कितने किलोमीटर दूर? यहाँ से 15 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पानी लेके जाओगे आप? तो ये निकलेगा नहीं पानी वैसे? नहीं नहीं निकलेगा वो जल। ओहो, कमाल की बात है भाई, ये कमाल की बात है। किसका? देखो भाई, पखाल बोलते हैं ये इनको, और ये कपड़े का बना हुआ है, इसके अंदर लगभग 200 लीटर पानी है दोनों साइड,
और ये यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है इनका गांव है, वहाँ पर लेके जाएंगे। 600 ये देखो 200 200 400 500 हो गए ये, और साइड वाले साइड दोनों साइड में है ना, 100 100 लीटर है। ओके ओके, कौन से गांव ले जाओगे? गांव है सेवा गांव। अच्छा अच्छा, कितने टाइम में वापिस आ जाओगे? यहाँ सुबह आएंगे, सुबह। अच्छा अभी घर पे जा रहे हो? अभी घर पे जा रहे, सुबह आओगे? मतलब तीनों को एक साथ में मान दिया, साथ में चलेंगे तीनों के तीनों? अच्छा अच्छा, ये बात है। ये देखो अभी पानी इस प्रकार ले जाते हैं यहाँ के जो लोग है वो। ये देखो भाई ये शुद्ध है ना मुंडा, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।